टेरिफाइंग ट्यूसडे, बाजार खुलने के कुछ सेकंड में इन्वेस्टर्स के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वेलकम टू एडिटर्स चॉइस। सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्हाट्स ड्राइविंग दिस मैड सेल ऑफ इन इक्विटीज, रिकवरी के क्या उपाय हैं, क्या ये संकट वैसा ही है जैसा 2008 में इन्वेस्टमेंट बैंक लीमन ब्रदर्स की बैंक्रप्सी के वक्त देखने को मिला था। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अब रास्ता क्या है, इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। और हमारे साथ हैं IIF के डायरेक्टर डॉक्टर अमन अग्रवाल, इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल, PSC के मेंबर मधुकर सी सेठ, एसोचैम के SK जिंदल, इकोनॉमिक एनालिस्ट जयसिंह कोठारी। बट लेट्स बिगिन विद एडिटर्स टॉप स्टोरी। शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन अमंगलकारी रहा। बाजार खुलने के कुछ ही सेकंड के भीतर निवेशकों के 5,40,000 करोड़ रुपए डूब गए। PSE के 30 शेयरों का सेंसेक्स 1250 अंक तक टूटा, जबकि निफ्टी में 300 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में कोहराम के पीछे क्या है? क्या ये अमेरिका के शेयर बाजार में सोमवार को हुई गिरावट के चलते है, क्योंकि वहां पर रिकॉर्ड गिरावट देखी गई जो कि साल 2011 के बाद से सबसे ज्यादा है। बाजार के बदतर हालात को देखते हुए व्हाइट हाउस तक को बयान जारी करना पड़ा। चिंता की बात भारतीय शेयर बाजार के लिए ज्यादा है, जो पहले से गिरावट से जूझ रहा था। फिलहाल गिरावट के पीछे ग्लोबल मार्केट एक्सपेंसिव इवोल्यूशन को माना जा रहा है और बजट में घोषित LTCG के प्रावधान को भी एक फैक्टर माना गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस संकट के पीछे ग्लोबल क्यूज जिम्मेदार है तो एक इन्वेस्टर के लिए रास्ता क्या है? एडिटर्स चॉइस में बहस का मुद्दा यही है। एडिटर्स चॉइस डेस्क। हम लोग डिबेट करने शुरू करने से पहले ये इस पॉइंट को समझना चाहिए कि इन्वेस्टर्स का जो लॉस हुआ है वो 9.5 लाख करोड़ का था इन 3 ट्रेडिंग सेशंस, और इसके पीछे 5 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि हर पैनलिस्ट से उन 5 मुद्दों पे एक एक करके आऊँगा, और मेरा रिक्वेस्ट है अपने पैनलिस्ट से कि ऐसे तरीके से आप समझाएँ ताकि आम जनता, हमारे दर्शक सब समझ सकें। डॉक्टर अमन अग्रवाल, सबसे पहला पॉइंट कि शार्प लॉसेस देखे गए बाकी एशियन मार्केट्स में और इसके पीछे एक रिकॉर्ड लॉस देखा गया वॉल स्ट्रीट पर, कैसे इसको आप समझते हैं, कैसे समझाएंगे और इसका कितना असर पड़ा है एशियन मार्केट्स पे? पहली बात तो ये जो रिकॉर्ड लॉसेस देखे गए हैं कोई निश्चय वाली चक्कर वाली चक्कर नहीं है इसमें, क्योंकि पिछले साल अगर हम देखें जब से ट्रंप आए हैं और या पिछले साल का सर देखें, 26 से 30% ग्रोथ देखी गई है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर, और जबकि एवरेज ग्रोथ अमेरिकन मार्केट्स के पिछले 4-5 साल में उसे पहले 7 से 8% के करीब रहती थी। तो एकदम से जो बबल गोस्ट हुई है, कभी ना कभी तो इसका फ्यूज़ निकलना ही था, हवा निकलनी ही थी इसकी, इसका टाइम का मैटर था कि कब ये निकलेगी। दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिली है कि हिंदुस्तान में उसका प्रभाव अभी भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। दिन में देखने को 12 बजे के आसपास डर लग रहा था, 1,200 के करीब पहुंचा सेंसेक्स, गिरने की बात आई, पर अब जाके क्लोजिंग में सिर्फ 560 अंक से गिरा है। तो मेरे विचार में इतना डरने की बात नहीं है। इसके और बहुत सारे कारण मेरे विचार में जो नज़र आ रहे हैं वो एक तो ये है कि वहाँ पे अनाउंस किया गया है लेबर डिपार्टमेंट ने कि 2.9% जो है सैलरीज इंक्रीज़ की जाएँ, जनवरी 2017 से लेकर 2018 के फिगर्स में देखा जाए, तो उससे जो एक जो कंपनीज़ के ऊपर भार पड़ेगा, सरकार के ऊपर तो भार पड़ेगा ही, इन्फ्लेशनरी भार पड़ेगा, बट कंपनीज पे जो भार पड़ेगा उसको भी मद्देनजर रखते हुए उनको देखा जा रहा है कि वो कैशा विड्रॉ किया जा रहा है मार्केट से। हमारे साथ BSE के मेंबर मधुकर सेठ जी जुड़ चुके हैं। मधुकर जी, ये कॉशन किया जा रहा है कि RBI पॉलिसी मीट इस हफ्ते हो रही है और उससे पहले ही कुछ सेंटिमेंट्स को लेकर बातचीत हो रही थी, तो कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कि उभरेगा, जिससे ये शायद कोई अगर मूड डैम्पनर हुआ है तो क्यों हुआ है? SK जिंदल साहब, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा जो अभी मैंने कहा था कि जो RBI पॉलिसी मीट इस हफ्ते होने जा रही है, तो इसको लेके एक मूड डैम्पनर क्यों है? देखिए, वो RBI पॉलिसीज के मेरा तो अनुमान है कि कुछ खास इसमें कल आएगा नहीं, कोई पॉज जैसा सिचुएशन रहेगा, और कुछ आप ये उम्मीद कर सकते कि थोड़ा सा हॉकिश उनका टोन रहे, लेकिन अदरवाइज मैं मानता हूँ कि जो मार्केट्स में हुआ है, हम एक ऐसे मोड में चल रहे थे कि बहुत ही कंफर्टेबल और एक तरफा सा उछाल हम देख रहे थे बाजार में,
वो अचानक उसमें थोड़ा सा झटका लगा है तो हमें खराब लग रहा है और हमारा मूड जो है थोड़ा जिटरी हो गया, थोड़ा नर्वस हो गया है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें इसमें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको एज ए हेल्दी करेक्शन देखता हूँ, क्योंकि जब भी ऐसी करेक्शन आती है तो उसके बाद में मैंने देखा है कि बाद में उसकी रिकवरी ज़रूर होती है। तो ये वैसे ही है कि बहुत तेज़ी से मार्केट्स बढ़ रहे थे, एक तरफा बढ़ रहे थे और एक मोमेंटम के साथ चल रहे थे, एक मूड से चल रहे थे, जबकि अर्निंग्स वगैरह उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि करेक्शन के बाद से ये फिर से रिकवरी आएगी और फिर से मार्केट हेल्दी मोड में आ जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। मधुकर सेठ जी, अरुण जेटली साहब ने ये कहा कि इस बजट में कोई गड़बड़ की वाली बात नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद द बजट, और जो क्यूज़ हैं वो ओवरसीज़ की वजह से आ रहे हैं, यानी कि बाहर जो भी हो रहा है ख़ासतौर से अमेरिकन मार्केट्स में उसका असर यहाँ दिख रहा है। क्या आप, सबसे पहले क्या आप इस बात से सहमत हैं, और ये जो क्यूज़ आते हैं इसका इम्पैक्ट यहाँ कैसे पड़ता है? सर, ये सही बात है कि अमेरिका में पिछले कुछ समय से ब्याज के दर बढ़ रहे थे और साथ में बाजार भी बढ़ रहा था, डो जोन्स भी बढ़ रहा था। ये एनामोली है, यह ब्याज का दर जब बढ़ता है तो पैसे की शॉर्टेज की वजह से बढ़ता है, और पैसे की शॉर्टेज हो गई तो बाजार नहीं बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्रीज नहीं आगे आनी चाहिए। तो दोनों के रास्ते उल्टे होते हैं एक दूसरे से, मगर ये एक महीने से जो साथ में चले उसकी एनामोली का ये इफेक्ट है। अगर ब्याज का दर कंटिन्यूसली अभी जो 2.8 तक पहुंच गया है यूएसए में, वो चालू रहा तो इक्विटी नीचे आएगी, उसकी असर भी इंडिया में आसानी से पड़ी, क्योंकि इंडिया भी तैयारी बैठा था गिरने के लिए, जिस रफ्तार से 10,000 से 11,000 तक पहुंचा था मार्केट, तो उनको वापस आना ही था रिएक्शन के तौर पे, और आया भी। यहां पे जो इजी मनी का माहौल था कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए, आपको जो लोगों की कंपनी का रिजल्ट सुधर के आएगा वो भी इतने सुधर के नहीं आए, क्योंकि जीएसटी इतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो यहां पे भी गिरना तो था ही, आपने इक्विटी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो सेंसेक्स का देखा या निफ्टी का देखा, जो 27-28 तक पहुंच गया था, विच इज वेल अबोव एवरेज, और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो 50 तक पहुंच गया था। ये बिल्कुल अनरीजनेबल बात थी, उसको नॉर्मलाइज होना ही है, 20 के करीब आना ही है, और इसीलिए ये टूटा था, टूटना था, और कोई आसानी से जल्दी रिकवरी नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहां रुके रहेंगे, और जब भी जीएसटी की इनकम सुधरने के आंकड़े आएंगे, जब भी कंपनियों के प्रॉफिट सुधरने के आंकड़े आएंगे, तभी ये सुधरेगा, तब तक नहीं सुधरेगा। जयसिंह कोठारी, मैं आपके पास आता हूं और आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है 29 पैसे से, अब वो डॉलर के अगेंस्ट 64.36 है, ये भी कहा जा रहा है कि इसके कारण से भी जो सेंटिमेंट है वो गिरा है, डैम्पन हुआ है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो कारण तो आज की इकोनॉमी में हमको उल्टा सपोर्ट करता है, इसलिए उससे कोई बाजार गिर रहा हो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो बजट आया वो बहुत इस बार इंटेलिजेंट बजट था, और उस बजट में जो पूरा इकोनॉमी के जो साइकिल को, रूरल इकोनॉमी को रर्बन इकोनॉमी में कन्वर्जन करने का जो वित्त मंत्री ने प्रयास किया है, ये उसका इम्पैक्ट है। हमारा जो पूरा वेल्थ सिस्टम है वो आपस में झगड़ रहा है, ऐसा मान लीजिए कि आने वाले समय की कौन सी वेल्थ होगी, उस वेल्थ सिस्टम का झगड़े को देखने का ये बाजार जो है वो हमको सामने नज़र आ रहा है। और ग्लोबल कारण एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये ग्लोबल कैपिटलिज्म को हमने जब अडॉप्ट कर लिया है और सिंबल इकोनॉमी को हमने रियल इकोनॉमी मान लिया है, तो यह सब आर्टिफिशियल है, ये मनी मेड थ्योरी है, ह्यूमन मेड सब चीज़ें हैं। तो अब इसमें इस तरीके के जो उतार चढ़ाव है वो ये कह लीजिए नॉर्मल बात है, और जो कॉमनवेल्थ को पर्सनल वेल्थ में ये ग्लोबल कैपिटलिज्म कन्वर्ट करता है, तो जो कॉमनवेल्थ होगी वहाँ ये कह लीजिए कि कुछ न कुछ तकलीफ आएगी। कोठारी साहब, ये जो इन्वेस्टर्स का जो लॉस हुआ है और ये ज़बरदस्त फिगर बोला जा रहा है कि 9.5 लाख करोड़, इसका ज़मीनी लेवल पर क्या इम्पैक्ट रहता है, और हकीकत और जो सेंटिमेंट में क्या कोई फ़र्क है? कागजी है ना, सेंटिमेंट नहीं, ये तो ये कागजी फिगर है, ये तो एक ओवरऑल आपने पूरा अमाउंट करके वो जब बढ़ा था तब भी बता रहे थे, आज ये घटा तब बता रहे हैं, लेकिन रियल बात है कि हमारी जो इकोनॉमी की जो पूरी शेप है
वो हम डेवलपिंग इकोनॉमी पेरिशेबल इकोनॉमी में कन्वर्जन हो रही है, स्टेबल इकोनॉमी से पेरिशेबल इकोनॉमी। तो जो स्टेबल वेल्थ थी पुराने जमाने की, जो वेल्थ थी वो आज प्रोडक्ट बन गई है और नई वेल्थ इमर्ज हो रही है। तो ये दोनों वेल्थ आपस में, तो जैसे जैसे समय निकलेगा, ये आप कॉमनवेल्थ कह लीजिए, आप पीएसयू के जो कंपनियां हैं, पीएसयू बैंक हैं, आपका जो स्टेबल जो लैंड रिलेटेड जो भी वेल्थ हैं, वो सब आप धीरे 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 और उसकी जगह पे। डॉक्टर अमन अग्रवाल, ये क्यों कहा जा रहा है कि ये एक ब्लड बात है, जबकि जयसिंह कोठारी जी जो स्टॉक मार्केट्स में डील करते हैं उनका कहना है कि ये कागजी फिगर है और इसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा। क्या आप सहमत हैं और इसको ब्लड बात क्यों कहा जा रहा है? देखिए जी, पहली बात तो कागजी तो मैं नहीं कहूँगा, बट ज़रूर ये है कि एक सेंटिमेंट्स है और एक हाइपोथेटिकल फिगर होती है। एक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी चीज़ अगर 100 रुपये की हो गई, अब वो 150 की हो गई, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने 30 रुपये की खरीदी है। मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 100 से 150 की हो गई थी, तो मैं 150 से 50 का लॉस हो गया मुझे अगर वो वापस 100 पे आ जाती है। तो एक ये जो एक्सपेक्टेशन है। दूसरी चीज़, अबाउट $1 ट्रिलियन की लॉस ऑलरेडी मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पिछले 5 दिनों में बियर कर चुकी है, जो जाके मेरे विचार में इस हफ्ते के अंत तक $2 ट्रिलियन को टच कर जाएगा। और सिर्फ एक ये इन्फ्लेशन बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन है लेबर मार्केट ने जो वहाँ पे कही, या जो और एक्सपेक्टेशन बबल की वजह, सिर्फ बबल की वजह से नहीं, 2-3 कारण और हैं मेरे विचार में। एक कारण जो ये है कि यूके ने ऑलरेडी एक नया वेल्थ के को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, जो लोग अपना पैसा लाके यूके में इन्वेस्ट कर रहे थे, एक नया लॉ कायम किया है जिसे वो कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर लॉ। अगर वो ऑर्डर लागू किया जाएगा तो जो भी निवेशक इस तरीके से आते हैं, और बहुत माफिया लोग अलग अलग देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रैवल किए हैं, अलग अलग एशियन कंट्रीज से भाग के वहाँ पे गए हैं, निर्धारित रहे हैं, तो उसको देखते हुए अगर वो लागू किया जाएगा तो उनका पैसा एकदम से भागेगा मार्केट से, वो पैसा भी तो भागने की बात है। तीसरी चीज़, बिटकॉइंस के ऊपर सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं कमर कसी है, बाकी विश्व के काफ़ी सारे देशों ने कमर कसी है। और जो बिटकॉइंस में निवेश हुआ था, और आपने देखा होगा, एक चीज़ जो 100 की थी वो एकदम से $1,000-$2,000 के पे चली गई थी। बिटकॉइंस में हर रोज़ की बढ़ोतरी 20-25-30% हो रही देखने को मिल रही थी। वो एकदम से मार्केट से जब पैसा खींचेगा, जब पता चलेगा, जो बड़े बड़े निवेशक हैं जो इस कार्यकाल में फंस सकते हैं, उनको एकदम से निकालेंगे, तो वो पैसा वहाँ से निकाल के और जगह रखेंगे, वो निकाल नहीं। तो जैसे हिंदुस्तान में भी बजट में अरुण जेटली जी ने कहा कि ये नॉट लीगल है, मेरे विचार में एक ही चीज़ देखते हुए ये 3-4 कारण, जो चौथा जो कारण निकल के आ रहा है कि जो पावेल को अपॉइंट किया है फेड का चेयरमैन, और अभी 2-3 और पोजीशन हैं जो फेड के चेयरमैन बोर्ड के अपॉइंट करने वाली है, उसके जो विचारधारा है वो फिस्कल स्पेंडिंग की तरफ है, सरकार की खर्चा बढ़ाने की तरफ है, जो अमेरिकन मार्केट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 70-80% लोगों की पैसा जो है वो मार्केट में लगा हुआ, स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, जबकि हिंदुस्तान जैसे देश में सिर्फ 6-8% जो टोटल वेल्थ है इंडिया की वो मार्केट में लगी हुई है। डॉक्टर अमन अग्रवाल, ये इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को हम लोग और आगे डेवलप करेंगे। SK जिंदल साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ये कहा जाता है कि, और ख़ासतौर से गवर्नमेंट से जो वॉइसेस आती हैं वो कहती हैं कि जो स्टॉक मार्केट इंडिकेशंस है वो कभी भी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस या इकोनॉमी का सही बैरोमीटर नहीं है। क्या आप ये कहेंगे कि ये स्टॉक मार्केट में जो भी होता है वो एग्जैक्ट बैरोमीटर है, जो फ्लक्चुएशंस होता है वो इकोनॉमी के सेंटिमेंट को दर्शाता है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि ये परसेप्शन पे ज़्यादा चलती है कि हम आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या उम्मीद हमें है कि हमारी वेल्थ क्रिएशन कैसे आने वाले समय में हो सकती है, उसको लेकर के उसको डिस्काउंट करके हम अभी से वो वैल्यू उसकी मान लेते हैं और वो उसी हिसाब से वो वैल्यूज मार्केट बढ़ के और घट के खड़ी हो जाती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सही बैरोमीटर गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का दरअसल नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली अगर गवर्नमेंट परफॉर्म ठीक से नहीं कर रही है और मार्केट ऊपर जाएंगे, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूँ, उनमें कुछ हद तक उसका अंश रहता है। अगर मार्केट में, अगर गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है, परफॉर्म कर रही है, तो उसका अंश उसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि उससे उसका परसेप्शन अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट पैरालिसिस में है, जैसे कि 2013-12 में थी, तो उस समय में आप देखेंगे कि ये उसका भी उसके अंदर फैक्टर आ जाएगा और वो उसको उसमें आप बढ़ोतरी नहीं देखेंगे। तो उसको डायरेक्ट मैं नहीं मानता, लेकिन इनडायरेक्ट उसका असर ज़रूर पड़ता है। जिंदल साहब, ये
यूएस फॉल कितना इम्पैक्ट करेगा इंडिया को, इसको लेके काफ़ी डिबेट हो रहा है और कई लोग तो अभी ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि जैसे लीमन ब्रदर्स का हुआ था 2008 में, उस समय जो ट्रिगर हुआ था, कहीं वो वैसी स्थिति ना पैदा हो जाए। डॉक्टर अमन अग्रवाल भी अच्छी तरह हमें समझा रहे थे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो मूवमेंट हो रहा है, ख़ासतौर से वहाँ भी एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये तो होना ही है, बबल एक है, क्या इतना ख़तरा है या इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है? मेरे हिसाब से यह एग्जैगरेट किया जा रहा है। पहले भी जब कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो उस समय उनका बेस कुछ और था, आज बेस दूसरा है। आज अगर आप बेस देखें, जो 2008 का फॉल था उसके साथ उसके सिम्टम्स आज वाले इसके साथ कोई मैच नहीं करता। और इस तरह के फॉल, जिस तरह के जो छोटा सा ये फॉल हमने देखा है पिछले 2-3-4 दिन के अंदर, ये पहले भी कई दफ़ा हुए हैं, लेकिन हर दफा वो इतने बड़े फॉल आने के बाद वो मार्केट्स फिर वापस रिकवर करती हैं, इसको एक करेक्शन माना जाता है। पिछले साल में निफ्टी ने 28% का रिटर्न दिया है जो कि एबनॉर्मल था। स्मॉल कैप 80% के म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न दिए हैं 70-80% के, जो कि अननेचुरल था, एबनॉर्मल था। लेकिन अगर उसमें अब कोई करेक्शन आ गई तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं। अगर 80 में से 10% निकल गए या 20% स्मॉल कैप में, हो सकता है 20% भी निकल जाए एक बारी के लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसको उसके साथ मिला करके नहीं देख पा रहा हूं। मैं देख रहा हूं ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, साल में 2-3 दफा ऐसे झटके लगते हैं, वो हेल्दी करेक्शन होती है और उसके बाद मार्केट फिर सुदृढ़ होकर निकल के आती है। मधुकर सेठ साहब, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन इक्विटीज, इसको लेकर बहुत चिंता जाहिर की जा रही है। कई लोगों का कहना है और वो खुलकर कह रहे हैं कि बहुत ही गलत कदम है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, यही सवाल लेकर मैं डॉक्टर अमन अग्रवाल आपके पास आता हूं, आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरे विचार में जो बजट में अनाउंसमेंट की गई है, अगर इतना ही बुरा माना जाता तो पिछले 3 दिन में ऑलरेडी जितना फॉल मार्केट में बाहर देखा गया है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में हो गया होता। अगर ये नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्लियर है कि इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट जो करंट फॉल है उसमें देखने को नहीं है। हाँ, ज़रूर कि किसी कोई भी कर लगाया जाता है, किसी को भी कर लगाया जाए, आप हो, मैं हूँ, एक आम जनता हो, एक बड़ा साहूकार हो, सबको कर मुश्किल लगता है और बुरा लगता है, क्योंकि ये कर जो है उनको लगता है कि पता नहीं ये कर ठीक ढंग से इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। अगर यूरोप और अमेरिका का देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर कर जो है 60-70% के बीच में इंडिविजुअल पे भी और कंपनियों पे लगाया जाता है, हिंदुस्तान में तो बहुत कम कर है। तो मेरे विचार में इससे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं है। थोड़ा बहुत था, वो शुरू में शेक हुई थी उसी दिन, पर उसके अलावा मेरे विचार में बजट के, क्योंकि बजट में और बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जो मार्केट को उछाल देने के लिए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से निवेश की बात हो, चाहे हिंदुस्तानी मार्केट से निवेश की बात हो। और पहली बार इस बजट में जो 70% जनता है जो एग्रो और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, उसके लिए फिर वापस 3 दशक के बाद। डॉक्टर अमन अग्रवाल, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मधुकर जी इज़ बैक ऑन लाइन। मधुकर जी, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, ऑल्दो FIIs आर स्टिल नेट बायर्स, इस पे आप क्या कहेंगे? पहला जो जुना सवाल था जिसमें मेरा लाइन कट गया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लास्ट ईयर 3,40,000 करोड़ का नफा हुआ था लॉन्ग टर्म का, और उस पर 1 पैसा टैक्स सरकार को नहीं मिला था। अभी 10% लगने से 34,000 करोड़ उनको मिलेगा और वो मिलना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मजा आती थी हम लोग को, सबको मजा आती थी, करोड़ों रुपया हमारे बिगर टैक्स कैप पास हो जाते थे, विच वॉज स्लाइटली अनफेयर टू अदर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। और जहां तक फॉरेन इन्वेस्टर का सवाल है, FII तो निकलेगी, अगर उनका दूसरे देशों में नुकसान है तो जहां नुकसान नहीं है वहां वो बेच के चली जाती है, ये एक जूनी कहानी है और ये होगा ही। और आगे एक डिस्कस पैनलिस्ट ने कहा बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन इंडिया में इलीगल है, इलीगल कन्वर्सन है, इफ यू आर होल्डिंग विथ योर व्हाइट मनी इट इज नॉट इलीगल, मगर लोगों को, सरकारों को बिटकॉइन पसंद इसलिए नहीं है कि वहां पे आप काला धन छुपा सकते हैं, और कुछ लोगों को ये इसलिए पसंद है, उसमें रशिया आता है, ईरान आता है, चाइना आता है, कि बिटकॉइंस डू नॉट डिपेंड अपॉन अमेरिकन डॉलर्स, तो उनको अमेरिका से दूर रहने के लिए और अपनी वेल्थ इंडिपेंडेंटली हैंडल करने के लिए बिटकॉइन मदद करता है, इसलिए बिटकॉइन इतने आसानी से मरेगा भी नहीं।
मिस्टर एस के जिंदल, ये कहा जाता है कि कहा जा रहा है बल्कि कि इंडियन मार्केट्स हैव अंडर परफॉर्म्ड मोस्ट की इमर्जिंग मार्केट्स दिस ईयर, तो इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है, ये अंडर परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो पिछला साल गया है वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमारे शेयर बाजारों ने की है, लेकिन बड़े की रिफॉर्म्स हुए हैं जो दो मेन हैं, और जो जीएसटी है उसका रिफॉर्म तो हो गया लेकिन अब उसका रिजल्ट जो है अब आने वाले साल में ठीक से हम देख पाएंगे, तो उसमें जो डिसरप्शन रही उसको लेकर के उसकी वजह से एक डिसस्टेबिलिटी सी बनी रही पूरे साल भर, लेकिन अब मैं आने वाले साल में उसका बहुत बड़ा बेनिफिट देखता हूं, जो कि इस साल में भी और आने वाले सालों में हमें उसका फायदा रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही एफिशिएंट लॉ है, बहुत ही एफिशिएंट हमारे व्यापार को वो बनाता है जीएसटी, तो उसका फायदा उधर आएगा। और जो गवर्नमेंट हमारी इस समय है वो रिफॉर्म से बिल्कुल डरती नहीं है, उसको कोई परहेज नहीं है, उसको कोई गुरेज नहीं है, जो जो लोगों के हित में वो कोई रिफॉर्म देखती है वो कर डालती है उसको। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में हमारी एफिशिएंसी और बढ़ेगी और उसका और फायदा हमें मिलेगा। तो सारे मैक्रोज, सारे सेंटिमेंट्स वैसे पॉजिटिव हैं, लेकिन ये सिर्फ अगर दो तीन चार दिन का, ये अगर आप इसको हटा लीजिए बजट के बाद का, और मैं सहमत हूं मेरे और को पैनलिस्ट के साथ, ये 10% एलटीसीजी का इसमें कोई मैं बड़ा रोल इसमें नहीं दिख रहा कि ये उसकी वजह से हो रहा है। जयसिंह कोठारी, बजट के ठीक बाद कुछ दिनों में ये मार्केट हमारा गिरा, सेंसेक्स गिरा, जिसको लेकर विपक्ष बहुत खुश हुई, विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि ये बहुत ही ख़राब बजट है और जो इसका असली नतीजा अब सामने आ रहा है। दो पॉइंट्स हैं आपके लिए, एक तो ये सेंटिमेंट को रीगेन करने के लिए क्या करना होगा, और क्या जो बजट में हुआ वही अब जो हो रहा है, क्या हम सबको वही चीज़ दिख रही है? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है या उससे डीलिंग होता जा रहा है, उसकी थ्योरी प्रिंसिपल इस ग्लोबल कैपिटलिज्म है। दुनिया में कहीं पे भी जो इस कंट्री को अपना लेता है, जो कंट्री अपना लेती है, वहाँ पे सरकार की पॉलिसीज और वो एक जगह वो हम निकालते हैं उसका अर्थ कि भाई इसका मतलब ये है, लेकिन उससे डीलिंग हो रहा है और प्योरली मनी का गेम बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम 35,000 करोड़ 30,000 करोड़ का हमारा डेली का कैश का टर्नओवर है और 4 से 6 लाख करोड़ रुपए एवरेज डेली हमारा डेरिवेटिव का टर्नओवर है, तो हम ये कह लीजिए कि 10 टाइम्स कैश से ज़्यादा 10 टाइम्स डेरिवेटिव का टर्नओवर कर रहे हैं, और ये सब जो बाई प्रोडक्ट है, जो भी हमको इनस्टेबिलिटी जो सिस्टम में मनी की जो ये कह लीजिए फ्लो की कमी जो समझ में आ रही है, वो डेरिवेटिव ट्रेड है, वो उसकी नेचर है। डेरिवेटिव आर द फाइनेंशियल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो ये उसकी नेचर है, हम उस तरफ जा रहे हैं, एक वेल्थ सिस्टम खत्म होगा और एक नया वेल्थ सिस्टम इमर्ज होगा। तो इस जिगजैग के बाद में मेरा ये मानना है कि एक पेरिशेबल इकोनॉमी या स्पेंडिंग इकोनॉमी प्योरली, उसका एक वेल्थ सिस्टम इमर्ज होकर निकलना चाहिए और पुराना वेल्थ सिस्टम धीरे धीरे डिसअपियर होना चाहिए। डॉक्टर अमन अग्रवाल, ये एक शब्द है स्पूक, अब उसका हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होगा मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब ऐसा कोई क्रैश होता है तो हार्डन्ड इन्वेस्टर्स, कमिटेड इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, वो सहम जाते हैं, शायद सहम ही बेस्ट वर्ड होगा, लेकिन आप क्या एडवाइस करेंगे, ये वक्त क्या है, बाय, सेल और होल्ड? मेरे विचार में पहली बात तो हिंदुस्तान के जो निवेशक हैं उनको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में है थोड़ी बहुत करेक्शन हमें पिछले देखने को मिली है, आती जा रही है और इतना फॉल नहीं होने की उम्मीद, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है और प्रॉब्लम आने की उम्मीद नहीं। दूसरी बात, निवेशक जो हैं उनको हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, एक हर्ड बिहेवियर को देख के काम नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी इतनी ग्रोथ हो चुकी है हिंदुस्तान में भी, पिछले एक साल में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, थोड़ा बहुत और करेक्शन होने की उम्मीद है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने काफ़ी मुनाफा कमा लिया है करंट प्राइस में, तो मेरे विचार में ऑफ टेक कर सकते हैं उसको, और अगर उनको लगता है कि अभी उन्होंने खरीदा है तो उसको होल्ड कर सकते हैं, और अदरवाइज़ इतना घबराने की बात नहीं है, हिंदुस्तान की मार्केट स्ट्रांग है और बुलिश जाएगी अभी आगे। मधुकर सेठ साहब, आप मुंबई में बैठे हुए हैं, आप बताइए कि इस ये वक्त खरीदने का है, रोकने का है या बेचने का है? जिसमें आपको ज्यादा नफा हो चुका है वो आइटम बेचनी ही चाहिए, क्योंकि वी आर एट अ वेरी हाई पी लेवल, एवरेज पे हमेशा आ जाता है वापस पी लेवल, तो प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। जिसमें नफा ज्यादा हुआ है वो बेच के, जहां पे आपको लो पी के शेयर मिल रहे हैं वहां पे लो प्राइस टू बुक में मिल रहे हैं,
हाई डिविडेंड ईयर में मिल रहे हैं वहां जाना चाहिए, वहां सेफ्टी होती है, बाकी हाई पीई में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। सो सेल वैल्यू ऑलरेडी मेड मनी, ऑफकोर्स नॉट ब्लाइंडली, बट यू हैव टू कैलकुलेट योर मेक योर ओन एनालिसिस एंड कम डाउन टू शेयर्स विच आर लेस वोलेटाइल। मधुकर सेठ साहब, डॉक्टर अमन अग्रवाल, एस के जिंदल, जयसिंह कोठारी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ा ही पेचीदा और मुश्किल टॉपिक है, इसको आसान करना एक मुश्किल काम है जो आप लोगों ने किया। और जैसे मधुकर जी का जो आखिरी दो लाइनें थीं कि शेयर को इस समय आप रोकें, बेचें या होल्ड करें, क्या करें, तो उनका एक सब बड़ा सीधा रिप्लाई था कि जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है वो शेयर बेचिए, और एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर घाटे का सौदा हुआ, मधुकर जी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आप होंगे। और मेरा मानना है कि फाइनेंस मिनिस्टर बेशक कह रहे हों कि स्टॉक एक्सचेंज हमारी इकोनॉमी के सेंटिमेंट का मेन इंडिकेटर नहीं, ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस बार स्टॉक एक्सचेंज हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेकर कोई अलग मैसेज देगा या फिर ओवरसीज मार्केट के सेंटिमेंट से गाइडेड होगा। ये देखना दिलचस्प होगा और हम सब इस पे ट्रैक रखेंगे, खास नज़र रखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सी यू, टेक वेरी गुड केयर, गुड नाइट इंडिया।